एक व्यूअर ने कमेंट बॉक्स में पूछा है कि विच इज विच इज व्हाट, विच इज व्हाई और विच इज वेयर क्या है। तो आइए फ्रेंड्स सीखें कि आप कब इस्तेमाल करेंगे विच इज विच इज व्हाट, विच इज व्हाई या विच इज वेयर। आइए सबसे पहले सीखें विच इज व्हाई क्या है। विच इज व्हाई मीन्स यही वजह है या यही कारण है। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो यही वजह है आप मेरे वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे विच इज व्हाई यू डोंट शेयर माई वीडियो। यानी यही वजह है या यही कारण है कि आप मेरे वीडियोस को शेयर नहीं करते हैं। यही वजह है कि लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं या यही वजह है कि लोग बैंक में पैसा रखते हैं। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे विच इज वाई पीपल डिपोजिट मनी इन द बैंक। यानी यही वजह है कि लोग बैंक में पैसा रखते हैं या बैंक में पैसा जमा करते हैं। यही वजह है कि उसने इस टॉपिक पर कुछ नहीं बोला या कुछ नहीं टिप्पणी किया। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे विच इज वाई ही मेड नो कमेंट्स ऑन दिस टॉपिक। यानी यही वजह है या यही कारण है कि वह इस टॉपिक पर कोई कमेंट्स नहीं किया या कोई भी टिप्पणी नहीं दिया। यही वजह है कि तुम्हें अच्छे नंबर नहीं मिलते हैं। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे विच इज वाई यू डोंट गेट गुड मार्क्स। यानी यही वजह है कि तुम्हें अच्छे नंबर नहीं मिलते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको पहला वर्ड समझ में आया कि विच इज वाई क्या है। विच इज वेयर का मतलब होता है जहाँ। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो मैं चाइना में रहता हूँ जहाँ की सरकार बढ़ती जनसंख्या को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई लिव इन चाइना विच इज वेयर द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ। यानी मैं चाइना में रहता हूँ जहाँ सरकार पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। अगर आपको कहना हो मैं इंडिया में रहता हूँ जहाँ ताजमहल है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई लिव इन इंडिया विच इज वेयर देयर इज द ताजमहल। यानी मैं इंडिया में रहता हूँ जहाँ ताजमहल है। ये वही कॉलेज है जहाँ मैंने एजुकेशन लिया। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दिस इज द सेम कॉलेज विच इज वेयर आई रिसीव्ड एजुकेशन। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपने इस बात को शानदार तरीके से समझा कि विच इज वेयर क्या है। आइए अब सीखें कि विच इज व्हाट क्या है, यानी आपको कब बोलना चाहिए विच इज व्हाट। विच इज व्हाट का मतलब होता है क्या है वो। अगर आपको कहना हो क्या है वो जो तुम्हारे पॉकेट में है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे विच इज व्हाट दैट इज इन योर पॉकेट। यानी क्या है वो जो तुम्हारे पॉकेट में है, क्या है वो जो तुमको डिस्टर्ब करती है यानी जो तुम्हें परेशान करती है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे विच इज व्हाट दैट डिस्टर्ब्स यू। यानी क्या है वो जो तुमको परेशान करती है या डिस्टर्ब्स करती है। आइए अब सीखें कि विच इज विच क्या है। विच इज विच का मतलब होता है कौन कौन सी या कौन वाली कौन सी। आइए इस बात को एग्जाम्पल्स में बेहतर तरीके से समझें। अगर आपको कहना हो जुड़वे बच्चे बिल्कुल एक जैसा दिखते हैं, आप नहीं बता सकते हैं कि कौन वाला कौन है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे The twins look so like that you can't tell which is which. यानी जुड़वे बच्चे बिल्कुल एक जैसा दिखते हैं, आप नहीं बता सकते हैं कि कौन वाला कौन सा है या कौन कौन सा है। यहाँ आपने देखा कि मैंने अपने सेंटेंस में बोला which is which, जिसका मतलब हुआ कौन वाला कौन सा है या कौन कौन सा है। अगर आपको कहना हो वो दोनों बहनें बिल्कुल एक जैसी हैं, इसलिए मैं अक्सर कंफ्यूज रहता हूँ कि कौन वाली कौन सी है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द टू सिस्टर्स लुक सो लाइक दैट आई ऑफन गेट कंफ्यूज्ड विच इज विच। यानी वो दो बहनें इतना आपस में मिलती हैं कि अक्सर मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि कौन वाली कौन सी है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि कौन वाली कौन सी के लिए मैंने बोला विच इज विच। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये सभी वर्ड्स आपको बड़े शानदार तरीके से समझ में आया। अगर वाकई आपने इस कंसेप्ट को शानदार तरीके से सीखा तो क्या इस टॉपिक पर कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखे और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।